जैसिका जोन्स सीजन फर्स्ट एपिसोड 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जैसिका को देखते हैं जो कि उन्हीं फोटोज को लेकर देख रही होती है जो कि किलग्रेव ने किसी से क्लिक करवाई थी। और जो जैसिका थी वो उन फोटोज को लेकर उन्हीं लोकेशन पर जाती है जहां से वो फोटो क्लिक करी गई थी। और उसके अगले सीन में जब जैसिका वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसके पास एक क्लाइंट आती है जो कि उससे कहती है कि मेरे लॉयर ने तुम्हारे बारे में बताया। दरअसल में जो वो लेडी थी वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती थी और क्योंकि जो उसका हस्बैंड था उसकी पहले ही कई सारी गर्लफ्रेंड थी और इसलिए वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी और इसीलिए वो जैसिका के पास आई थी ताकि वो उसके हस्बैंड के किसी और वुमेन के साथ फोटो ले सके ताकि उसके पास एविडेंस हो ताकि वो उससे डिवोर्स ले सके। जैसिका को वहां पर लगता है कि इस लेडी को भी किलग्रेव ने ही भेजा है। इतने में ही जैसिका के पास ट्रिश का कॉल आता है जहाँ पर ट्रिश बताती है कि वो पुलिस वाले वापस आ गए हैं, यानी पिछले एपिसोड में किलग्रेव ने जिस पुलिस वाले को ट्रिश को मारने के लिए भेजा था वही पुलिस वाला ट्रिश के अपार्टमेंट में दोबारा आ जाता है जिसके बाद जैसिका भी वहां पर पहुंच जाती है। और कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद जैसिका कहती है कि ये किलग्रेव के कहने पर नहीं आया है, बस चेक करने आया है कि तुम अब ठीक हो या नहीं। जिसके बाद जो जैसिका थी वो वहां पर अपार्टमेंट के गेट को खोलती है और साथ ही उस पुलिस वाले से कहती है कि अब हम ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जैसिका उस पुलिस वाले को उस अपार्टमेंट से बाहर ले जाती है और उसे वहां पर समझाती है कि अब तुम दोबारा यहाँ पर मत आना क्योंकि जो किलग्रेव था वो दोबारा भी उन पर अटैक कर सकता था। जिसके अगले सीन में जैसिका कहती है कि मुझे पता है अब क्या करना है। जिसके बाद जैसिका ट्रिश को लेकर जाती है और उसको उसके रेडियो स्टेशन पर ले जाती है जहाँ पर वो ट्रिश को किलग्रेव से माफी मांगने के लिए कहती है। जिसके अगले सीन में ट्रिश रेडियो पर माफी मांग लेती है पर जो ट्रिश थी वो ऐसा करना नहीं चाहती थी इसलिए वो बाद में अपसेट रहती है। और उसके अगले सीन में जैसिका थी वो चेरी होगा के ऑफिस में पहुंचती है जहाँ पर वो उसी क्लाइंट के बारे में पूछती है जिसे जैसिका के पास भेजा गया था और वो क्लाइंट चेरी होगा के ही एक लॉयर ने भेजा था। जहाँ पर जैसिका को वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता और वो उसी क्लाइंट का फिर पीछा करते हैं। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो जैसिका है वो उसी पुलिस वाले को कॉल कर कहती है कि वो जिस जिस लोकेशन पर जा रही है उसे उसकी फुटेज चाहिए। जिसके अगले सीन में जैसिका देखती है कि वो क्लाइंट एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है और जो जैसिका थी वो उस पर नजर रख रही थी। जहाँ पर जैसिका को ये तो पता चल जाता है कि वो किलग्रेव के कंट्रोल में नहीं है। जिसके अगले सीन में जो चेरी होगा थी वो जैसिका को कॉल करती है जिसके बाद जो जैसिका थी वो चेरी होगा के पास पहुंचती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का वहाँ पर एक ग्रुप है जिसे किलग्रेव ने अपने कंट्रोल में किया था। अगले सीन में जैसिका वहाँ पर वन बाई वन कर सबसे पूछताछ करने लगती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जब जैसिका अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है और वो उसे वही फुटेज देता है जो कि जैसिका ने उससे मांगी थी। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वो पुलिस वाला ट्रिश के पास जाता है उसकी सेफ्टी के लिए पर ट्रिश को अब भी लग रहा था कि वो उसे मार देगा। जिसके बाद वो वहाँ पर ट्रिश को उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम जैसिका को देखते हैं जो कि सी क्लाइंट के बैंड का पीछा कर रही होती है जिसका नाम कार्लो रहता है। और जब जैसिका उसका पीछा करती है तो वो कार्लो एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक वुमेन के साथ रहता है और जैसिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर ही उसे पता चलता है जो कार्लो है वो अपनी वाइफ के ही साथ है यानी एस्टमैन जो कि जैसिका के पास क्लाइंट बनकर आई थी। और जहाँ पर हमें पता चलता है जो जैसिका के पास क्लाइंट बनकर आई थी वो दरअसल में जैसिका को वहाँ पर मारने के लिए आई थी क्योंकि उन जैसे सुपर हीरोज की वजह से ही जो उनकी मदर थी वो मारी गई थी। पर जैसिका वहाँ पर उसे वार्निंग देती है और साथ ही उससे कहते हैं कि वो इस सिटी को छोड़ दे वरना उसके जैसे और भी उसके पीछे आएंगे। और जिसके अगले सीन में हमें ट्रिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने अपार्टमेंट में बैठी होती है और साथ ही उसके गेट पर वही पुलिस वाला बैठा होता है और उनकी वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही होती है। जिसके बाद ट्रिश वहाँ पर उस गेट को खोल देती है और पुलिस वाला अंदर आ जाता है और जिसके बाद उनकी वहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम जैसिका को देखते हैं जो कि रोड पर चल रही होती है और वो उसी ग्रुप के पास जाती है जिसे किलग्रेव ने कंट्रोल किया था। और वहाँ पर उसे एक आदमी से पता चलता है कि उस ग्रुप में से जो एक आदमी था वो किलग्रेव का 10 दिन तक ड्राइवर था। जहाँ पर जैसिका उससे पूछते कि क्या तुम 24 घंटे उसके साथ थे, जहाँ पर वो कहता है कि हाँ। फिर वो उससे पूछते कि उसे कोई फोटोग्राफ्स लाकर देता था, जहाँ पर वो कहता है कि हाँ पर मैंने उसका फेस नहीं देखा पर वो ब्लू एंड व्हाइट कलर का एक स्कार्फ पहने रखता था। जिसके बाद जैसिका वहाँ से चली जाती है और जिसके बाद जैसिका अपने अपार्टमेंट में जाती है और उसी रिकॉर्डिंग को चेक करती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जो उसकी फोटोज ली थी किलग्रेव के कहने पर वो किसने ली थी। और उसके बाद वो अपने नेबर के अपार्टमेंट में जाती है जो कि मेलकम होता है जो कि हमेशा ड्रग्स ही लेता था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फोटोज कोई और नहीं बल्कि मेलकम ही लेता था। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपने कम्प्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।